कोरोना के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की संख्या में कमी आ रही है। महापौर दयाशंकर तिवारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना प्रभावित रोगियों के लिए अधिकतम बेड कैसे उपलब्ध कराए जाए। मंगलवार को उन्होंने नंदनवन के भाऊसाहेब मुलक आयुर्वेदिक अस्पताल और अनुसंधान केंद्र केडीके कॉलेज परिसर का दौरा किया। उन्होंने निगम प्रशासन को निर्देश दिए कि अस्पताल में 100 बेड का कोविड अस्पताल शुरू करें, साथ ही ऑक्सीजन लाइन भी स्थापित की जाए। महापौर ने पहले श्री आयुर्वेदिक कॉलेज और पकवासा को कोऑर्डिनेटिंग अस्पताल का दौरा किया। प्रशासन को 136 बेड खोलने के निर्देश दिए गए। महापौर ने कहा कि शहर में आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पतालों में कोविड रोगियों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तर्फे जेवढे आयुर्वेद कॉलेज आहे त्या सगळ्यांचे बेडचा वापर कोविड बेड म्हणून झाला पाहिजे या दृष्टीने महानगरपालिकेने निर्णय घेतला। शिवाय गुप्ता मिठे मागच्या आठवड्यात झाला होता, आज आम्ही के डी के कॉलेजला आलो आहोत। इथे जवळपास 100 बेडची ऑक्सिजनची व्यवस्था होऊ शकते। आमच्यासोबत ऑक्सिजनची लाईन लेईंग करणारा जो कंत्राटदार आहे तोहीसोबत आहे। उद्यापासून तो स्वतः इथे काम सुरू करेल। 8-10 दिवसात ऑक्सिजनची लाईन पूर्ण झाल्यावर ही 100 बेडची सुविधासुद्धा लोकांच्या सेवेसाठी आम्ही पुरवू शकू असा आमचा मानस आहे। या संस्थेचे समस्त पदाधिकाऱ्यांसोबत या विषयी चर्चा झालेली आहे। आज ही कॉलेजची डीन मॅडम आणि त्रिपाठी सरकारसोबत यांच्यासोबत पूर्ण व्हिजिट केलं। सकारात्मक वातावरण आहे। आम्ही येता पुढच्या आठवड्यात येथील 8-10 दिवसात हे 100 बेड लोकांच्या सेवेसाठी उपलब्ध करू शकतो अशी मला।